आयोजन हो रहे हैं जिलों की उदयपुर में चेतक सर्किल पर हो रहा है। महाराणा प्रताप की जयंती देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। ढोल भी बज रहे हैं, नगाड़े भी बज रहे हैं और इन आयोजनों में अतिथि भी आ रहे हैं, जोर शोर से आयोजन भी हो रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप से जुड़े मूल स्थानों को अगर देखा जाए, चाहे वह कुंभलगढ़ हो, हल्दीघाटी हो, चावंड हो या अन्य स्थल हो, सभी उपेक्षा के शिकार हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के जन्म स्थान कुंभलगढ़ नहीं चावंड में आ रहे हैं, जहां पर महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली है। और यहां हम बताना चाहते हैं कि सभी स्थान जो हैं वो दुर्दशा के शिकार हैं। आयोजन तो होते हैं बड़े बड़े और मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, लेकिन आधार स्तर पर अगर पर्यटक उन स्थलों पर जाए तो महाराणा प्रताप पर गर्व करने की बजाय उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि जिस आधार पर हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आधार स्तर पर पर्यटकों को महाराणा प्रताप पर जो फक्र होता था, गर्व होता था कि महाराणा प्रताप के उन स्थलों पर जाकर उन्हें कुछ मिलेगा, उन्हें कुछ ऐसी गौरव की अनुभूति होगी, लेकिन यहाँ आकर दुख होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। आइए हम भी प्रण लें कि आज शस्त्र के साथ में शास्त्र का काम भी हम करें और उन स्थलों के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा उपाय करें कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो या दानदाता हो, भामाशाह हो, सभी यहाँ एकत्र भाव से, एक भाव से उन स्थलों का विकास करें जहाँ पर पर्यटक आए तो वो अनुभूति महसूस करे। जिस तरह से पर्यटक सरदार पटेल के उस स्थल पर जाकर महसूस करते हैं, शिवाजी के उस स्थल पर जाकर महसूस करते हैं, सुभाष चंद्र के उस स्थल पर जाके महसूस करते हैं, आइए क्या कह रहे हैं। ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आज बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से चेटक स्मृति का कार्यक्रम जो ये हो रहा है, इसमें भव्यता को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि 22 मई मानव प्रताप जयंती किस तरह से भव्य होगी। हमारे योद्धाओं में आज भी जोश और जुनून उतना ही है जिस तरह से महाराणा प्रताप में था। सभी यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी जोश और जुनून के साथ में कर रहे हैं कि कहीं महाराणा प्रताप का तेज पुंज इनमें समाया हुआ हो। आज भी इनके रगों में महाराणा प्रताप का वह जोश और जुनून है। महाराणा प्रताप को प्रातः स्मरणीय माना जाता है, इसलिए आज हम संकल्प लें कि ऐसे मौके पर हम महाराणा प्रताप के स्थलों के लिए कुछ न कुछ करें। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जयंती 22 मई 2023 को मनाई जा रही है। इस महाराणा प्रताप जयंती को कुछ मेरे जो विचार हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये विचार हैं कि किसी भी महापुरुष, किसी जननायक की जयंती हो, पुण्यतिथि हो या उसके किसी भी विशेष कार्य की जो घटना हो, घटना दिवस हो, उसको राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर पूरे मेवाड़ क्षेत्र में एक ही जगह मनाई जानी चाहिए ताकि सभी का फोकस उस पर रहे और सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उससे प्रेरणा लेकर के उस समारोह में शामिल हो सके। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि महाराणा प्रताप की जयंती उनके जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में एक वृद्ध स्तर पर हर वर्ष मनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रशासन, जननायक, जनप्रतिनिधि सभी उसमें भाग ले सकें और सर्व समाज के लोग उसमें उपस्थित होकर के किसी भी महापुरुष से प्रेरणा लेकर के
आगे भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश दे सकें, क्योंकि मैंने एक प्रस्ताव कुछ वर्षों पूर्व राज्य सरकार को भेजा था। उसमें यह था कि महाराणा प्रताप की जयंती का पर्व कुंभलगढ़ में मेवाड़ स्तर पर एवं जिले स्तर पर संभाग स्तर पर मनाया जाए। उनकी हल्दीघाटी युद्ध तिथि का दिवस 18 जून हल्दीघाटी में ही केंद्रित हो, सभी लोग वहां जाकर के मनाएं, भाग लें। इसी प्रकार से विजय दिवस जो दिवेर में मनाया जाता है उसको भी वृहद स्तर पर सभी जगह सभी जने मिल करके उसको मनाएं। उनके राज तिलक दिवस गोहुंदा में मनाया जाता है, लेकिन उसको भी बड़े रूप में सभी जगह नहीं मना करके एक जगह मिल करके मनाएं। साथ ही उनकी पुण्यतिथि का जो दिवस है वो चावंड में मनाया जाए। यह मेरे खुद के विचार मैंने कई बार व्यक्त किए हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के जितनी भी तिथियाँ आती हैं वो उनके संबंधित स्थान पर और बड़े पैमाने पर राज्य स्तर पर।